Yes, good morning students. I'm physical education schools. Yes, आपका unit first चल रहा था changing trends created in physical education. तो उसमें आपका एक topic है खेलो इंडिया program. ठीक है, खेलो इंडिया program. तो खेलो इंडिया program कब होता है, इसके events, इसमें कितना cash prize है, कितने students खेलते हैं, कितनी categories हैं, उसके बारे में बताएंगे हम, और फिर इसका बेनिफिट्स भी बताएंगे आपको. तो उसका एक हम खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है ये आप देख लीजिए. ओके, खेलो, इसकी डेफिनेशंस में आप लिखी हुई है, खेलो इंडिया स्कूल गेम. ओके, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स KISG आर द पार्ट ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम. खेलो इंडिया स्कूल गेम क्या है, ये पार्ट किसका है, खेलो इंडिया प्रोग्राम का. ओके, हेल्ड एनुअली इन जनवरी एंड फरवरी में. कब होता है ये, जनवरी एंड फरवरी. नाउ द हैज बीन चेंज टू खेलो इंडिया यूथ गेम्स. ठीक है, अब क्या हो गया इसका चेंज होकर, खेलो इंडिया यूथ गेम दे आर हेल्ड एट नेशनल लेवल फॉर टू कैटेगरीज. किस लेवल का होता है ये, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है नेशनल लेवल का टूर्नामेंट्स है. ओके, मतलब एथलेटिक्स है बहुत, इसमें 16 डिसिप्लिन गेम्स है आपके. ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से आपके गेम्स हैं इसमें. ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरी होती है, एज कैटेगरी. ठीक है, एक तो अंडर 17 इयर्स, ठीक है, स्कूल जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अंडर 17 इयर्स एज होना होता है, एंड जो कॉलेज के लिए होते हैं उनका 21 इयर्स. ठीक है, 21 इयर्स यहाँ पर क्या आपका ईयर है. ओके, 21 इयर्स. ठीक है, इतनी एज चाहिए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए. ओके, द मेन पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू सर्च द टैलेंट फ्रॉम ग्रास रूट. इस जो प्रोग्राम का मेन पर्पज है वो जो ग्रास रूट्स होते हैं, साधारण जन बोलते हैं जिनमें सिंपल है, मतलब गांव में है, मतलब कुछ वहाँ सुविधा नहीं है, कुछ भी मतलब कि इक्विपमेंट्स नहीं है, एडवांसमेंट नहीं है, उनको सर्च करके, उनका टैलेंट को सर्च करके, ठीक है ना, वो निकाला जाता है खेलो इंडिया यूथ ग्राउंड्स जो गेम्स हैं उसके थ्रू, कि छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे विलेज में, ठीक है ना, छोटे छोटे सिटीज में, सब में से मतलब कि अच्छा टैलेंट निकाल सर्च किया जाता है. ओके, एवरी ईयर 100 बेस्ट परफॉर्मेंस रिसीव एन एनुअल स्कॉलरशिप रेट 5 लाख. ठीक है, हर साल जो 1000 बेस्ट परफॉर्मेंस रहेंगे वो एन एनुअल स्कॉलरशिप फॉर रेट 5. एनुअल यानी वार्षिक जो उसको स्कॉलरशिप मिलेगा 5 लाख. ओके, कब तक मिलता रहेगा, 8 ईयर्स तक. ओके, 8 ईयर्स टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स. वो इसलिए मिलता है ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर, ठीक है भाई, स्पोर्ट्समैन है उसको, भाई स्पोर्ट्समैन है उसको नीड होती है डाइट का, शूज का, हर चीज का, मतलब किट का, और बहुत से उसका ऐसे, उसके ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो उसको यूज में आनी है. ठीक है, उसकी किट्स हुई, स्टड हुए, फुटबॉल प्लेयर है, वॉलीबॉल के लिए अपना नी कैप हो गया. ठीक है, तो बहुत से टाइप्स के वो उनको नीड होती है. ठीक है, 5 लाख रुपए मिलते हैं हर साल उनको, इट्स 8 साल तक मिलना. ओके, 100 बेस्ट परफॉर्मेंस. ठीक है, जो 1000 बेस्ट परफॉर्मर रहेंगे उनके लिए 16 डिसिप्लिन गेम्स हैं. ठीक है, वो गेम्स मैं आपको बताता हूँ आगे. ठीक है, कौन कौन से हैं उसके, उसमें से आप ये 100 से निकालते हैं. ठीक है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए. ठीक है, द गवर्नमेंट बिलीव डेट देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन यूथ ऑफ अवर कंट्री. ठीक है, द गवर्नमेंट को भरोसा है कि हमारे जो यूथ है उनमें बहुत पोटेंशियल है. ठीक है, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो ये आपका खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है उसको मैंने थोड़ा आपको डिफाइन किया है. अब उसका बताएंगे कि नेक्स्ट कौन कौन से इसमें गेम्स होते हैं. ठीक है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको हम बताते हैं अभी. ठीक है, यस स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि हमने खेलो इंडिया प्रोग्राम्स में कितना आपको प्राइज है, ठीक है ना, कितनी कैटेगरीज हैं. ठीक है, वो आपने पढ़ा है. ठीक है, तो अब देखते हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम में कितने इवेंट्स यानी गेम्स होते हैं. ठीक है, आपके इसमें 16 हैं, 16 आपके डिसिप्लिन गेम्स हैं. ओके, तो जैसे कि आपका आर्चरी हुआ, ठीक है, बैडमिंटन, खो खो,
वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, जूडो, जिमनास्टिक, ठीक है, जिमनास्टिक तो जिस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो जिसके अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है वही जिमनास्टिक करता है, ठीक है, स्ट्रेचिंग करता है, जो ज़्यादा स्ट्रेचिंग करता है, इसके लिए बॉयज़ के लिए अलग एपरेटस होते हैं और गर्ल्स के लिए अलग एपरेटस हैं। कुछ एपरेटस हैं जैसे कि आपका वॉल्टिंग हॉर्स, बैलेंस बीम फॉर गर्ल्स, ठीक है ना, आपका पैरलर बार, ये सब जिमनास्टिक के एपरेटस हैं, ठीक है, वो आगे बताएंगे आपको, क्लास चलेंगे, जैसे जैसे बॉक्सिंग हो गया, हॉकी हो गया, आपका स्विमिंग हो गया, ठीक है, ये आपके 16 गेम्स हैं, ठीक है, आपको इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, खेलो इंडिया उसका, ठीक है, प्रोग्राम में। तो आप क्या करना है, आपको खेलो इंडिया प्रोग्राम में ये डिवाइडेड है आपके 12 पार्ट्स में, ठीक है ना, 12 पार्ट्स में, अभी मैंने इसमें 9 है, 3 आपको नेक्स्ट बताऊंगा अभी, ठीक है, खेलो इंडिया में प्रोग्राम में, ठीक है ना, आपका फर्स्ट आपका इसमें क्या होता है, 12 में है, अभी ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9, तो फर्स्ट क्या आपका प्ले फील्ड डेवलपमेंट, खेलो इंडिया में आपका जो डिवाइड कर दिया है इसमें प्ले फील्ड डेवलपमेंट, उसका देखते हैं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उसका जो ग्राउंड है वो उसका सरफेस ठीक है, ठीक है ना, एन इवन तो नहीं है, ठीक है ना, वो आपका खेलो इंडिया प्रोग्राम। कोचिंग डेवलपमेंट्स, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट्स, ठीक है ना, बहुत सारे कोचेज होते हैं उसमें, ठीक है ना, तो एक दूसरे को वो अपने कुछ स्किल्स बताते हैं, वो कुछ स्किल्स बताते हैं, तो एक कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट्स होता है वहाँ पे आपका, ठीक है ना, मतलब कि कोचेज का एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, ठीक है, टैलेंट सर्च होता है ग्रास रूट्स में, ठीक है ना, कैसे वो सब खेलो इंडिया उसमें प्रोग्राम में होते हैं। स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स और स्टेट लेवल्स के खेलो इंडिया सेंटर्स बना दिए गए हैं, ठीक है ना, स्टेट में राज्य स्तर के, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट टू नेशनल रीजनल स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमिक्स, ठीक है ना, आपका जो नेशनल और रीजनल स्टेट में लेवल्स के एकेडमी होती हैं उनको पूरा फुल सपोर्ट देते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम, ठीक है ना, जो भी है स्पोर्ट्स फॉर वुमेन्स, ठीक है ना, वुमेन्स के लिए अच्छा खेलो इंडिया प्रोग्राम इवेंट्स है, ठीक है, उसमें वुमेन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं अधिक से अधिक। प्रमोशन फॉर रूलर्स गेम्स, ठीक है ना, रूलर्स गेम जो हमारा गेम्स होते हैं वहाँ पर प्रमोशंस के बहुत अलग वो विभाग क्षेत्र बना दिया गया है, ठीक है ना। फिजिकल फिटनेस स्कूल्स चिल्ड्रन, स्कूल्स के चिल्ड्रन होते हैं उनकी फिटनेस के लिए अलग वो है, ठीक है। तो ये 9 टोटल 9 है, 12 है, 3 मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका खेलो इंडिया प्रोग्राम में, आपका सिंपल है कि ये ग्रास रूट्स, मतलब कि किसी के लिए से, मतलब कि जो विलेज से हैं, ठीक है ना, और नहीं खेल पाते हैं, मनी नहीं उनके पास है, गेम्स के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइट बनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है, गेम्स के लिए डाइट हुए, शूज हुए, आप पे बहुत कुछ करता है मनी डिपेंड, ठीक है। तो उसमें खेलो इंडिया में आपका यही है कि सिंपल जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, मतलब कि हंड्रेड्स पार्टिसिपेट होते हैं जो, ठीक है, विनर हैं, जो भी जैसे भी विनर हैं, उसको आपको 5 लाख रुपये मिलता है 8 ईयर्स तक, हर साल आपको 5 लाख मिलेगा, ओके। तो ये 9 है, ओके, आपके टोटल, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने इनका इनॉग्रेट किया था 31 जनवरी 2018 में, ठीक है। ऐप भी है खेलो इंडिया ऐप, ठीक है, खेलो इंडिया ऐप आप देख सकते हो, ठीक है। ये सब इसके इवेंट्स हैं, 3 पार्ट्स में आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।